आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मास्क आधार कार्ड क्या है और मास्क आधार कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सामान्य आधार कार्ड के बजाय मास्क आधार कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल इस आधार कार्ड में पूरे 12 अंक नहीं नजर आते हैं और उसकी जगह पर सिर्फ 4 अंक ही दिखाई देते हैं, जिसे हम मास्क आधार कार्ड कहते हैं। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश के हर नागरिक को आधार कार्ड के तहत 12 अंकों वाला पहचान संबंधी नंबर जारी करता है। तो यूडीआई इसे निशुल्क मुहैया कराता है। हालांकि अक्सर इससे लेकर डेटा लीक होने से जुड़ी चिंताएं जताई जा चुकी हैं और मामला कोर्ट की चौखट तक भी पहुंच चुका है। तो ऐसे में यूडीआई ने लोगों के लिए सुरक्षित विकल्प के रूप में मास्क आधार कार्ड जारी किया है और ये एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सॉफ्ट कॉपी होती है आधार कार्ड होता है, जिसे हम आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप मास्क आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने का प्रोसेस बताने से पहले मैं हूं प्रवेश कुमार। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं udi.gov.in के पोर्टल पे आ गया हूँ। तो ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, यहाँ से आप आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूडीआई सेक्शन में माई आधार के सेक्शन में जाना होगा। माई आधार सेक्शन में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस पे क्लिक कर देना फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आधार कार्ड या फिर इनरोलमेंट आईडी नंबर या फिर वर्चुअल आईडी नंबर, यहाँ पे आपको जो आपको पता हो या इनरोलमेंट आईडी नंबर पता है तो यहाँ पे आपको डाल सकते हैं या वर्चुअल आईडी पता है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। फिलहाल हमारे पास आधार नंबर है तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे डालने के बाद मास्क आधार कार्ड के लिए आपको यहाँ पे टिक करना होगा। तो टिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आई वांट ए मास्क आधार, तो यहाँ पे मास्क आधार कार्ड के लिए यहाँ पे टिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो कैप्चर कोड दे रखा हुआ है, ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पे भरना होगा। जो कैप्चर कोड फ्रेंड्स सही होना चाहिए तभी आपका। उसके बाद कैप्चर कोड फिल करने के बाद फ्रेंड्स, जो आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी नंबर जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ फ्रेंड्स। सेंड करने के बाद एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी नंबर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको भर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना ओटीपी नंबर जनरेट कर दिया है। जनरेट करने के बाद फ्रेंड्स, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिड यू नो दैट यू कैन ऑर्डर रिप्रिंट आधार लेटर फ्रॉम यूडीआई वेबसाइट। अगर आपको रिप्रिंट चाहिए या नहीं चाहिए तो आपको, अगर चाहिए तो यस करना, अगर नहीं चाहिए तो नो कर देना फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ हाउ मेनी डेज डिड रिसीव द रिप्रिंट आधार लेटर, यहाँ पर 6 डेज 15 डेज जो भी आपकी रिक्वायर्ड हो वो डेट में आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर करना है नहीं करना तो यहाँ पे नॉट ऑर्डर तो यहाँ पे कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, वेरीफाई एंड डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको थोड़ी देर वेट करना है फ्रेंड्स। वेट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड, आपका आधार कार्ड पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे देखिए, देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ ई आधार, यहाँ पे आपको पीडीएफ में डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद ये आपको फाइल में जाकर के या फिर यहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर्ड में क्या डालना होता है फ्रेंड, जो आपके नाम का चार पहले शुरुआती के जो अक्षर, चार अक्षर होते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जो लेटर होंगे वो कैपिटल लेटर में आपको भरना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपना कैपिटल लेटर में फ्रेंड्स भर दे रहा हूँ। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर्स होता है, जैसे कि 1996, 1992, 1990, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो इस तरीके की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद भर देने के बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मैंने भर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका आधार कार्ड
ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड देख सकते हैं। देखने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो मास का आधार कार्ड हो जो होता है ये इस तरीके का होता है कि जो आपके 12 आधार कार्ड के जो स्टार्टिंग 12 अंक होते हैं वो आपके नंबर हाइड होते हैं, मतलब कि छिपे होते हैं, और लास्ट के जो 4 डिजिट नंबर हो वो आपको दिखेंगे। और यहाँ पे आपका जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर नेम, ये चीजें आपको ओपन होके मतलब दिखेंगी, आपका जो इमेज है वो भी दिखेगा। मास्क आधार कार्ड का मतलब यही होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो आप यहां से डायरेक्ट प्रिंटर अपना आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये आपका पीडीएफ में ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से आप अपना मास्क आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अब आपको मास्क आधार क्या होता है और मास्क आधार ऑनलाइन डाउनलोड कैसे कर सकते हैं अब आपको पता ही हो गया होगा। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको आधार कार्ड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं आपको ऐसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।